हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और प्रेस करें इस बेल बटन को ताकि आपको मिले नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। नंबर वन भारती सिंह। खतरा खतरा के 100 एपिसोड में भारती ने एक ब्लैक कलर की आउटफिट पहनी हुई थी। डिजाइनर की गलती से ये ड्रेस उतना भी अच्छा नहीं हो पाया, पर भारती ने ये ड्रेस बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी की थी। नंबर टू पारुल चौहान। ये रिश्ता का कहलाता है कि एक्ट्रेस पारुल का फैशन सेंस उतना भी अच्छा नहीं है, शायद इसीलिए फैंस ने उनका मैक्सी और बेल्ट का कॉम्बिनेशन वाला आउटफिट को ज्यादा पसंद नहीं किया है। नंबर थ्री राखी सावंत। हाल ही में मीडिया पे अफवाह फैली थी कि राखी सावंत ने शादी कर ली है एनआरआई के साथ। इसके बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी एक तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें वो फ्लोरल डिप नेक के साथ सिंदूर पहनी हुई थी, जिसमें वो लग रही थी बहुत ही बाहिया। नंबर फोर निया शर्मा। एशिया की सेकेंड सेक्सीस्ट वुमेन निया शर्मा सोशल मीडिया पर अपनी फैशन की जलवा दिखाती रहती है अपने फैंस को, पर कई बार ऐसा भी हुआ है जब निया शर्मा अपने आउटफिट की वजह से सोशल मीडिया में ट्रोल हुई है। नंबर फाइव कश्मीरा शाह। टीवी हो या बॉलीवुड, दोनों जगह पर पॉपुलर है कश्मीरा शाह। हाल ही में वो दो बच्चों की माँ भी बन चुकी है। हाल ही में उन्हें ब्लू स्कर्ट ब्लू टॉप और ब्लू बूट के साथ देखा गया है, जिसमें वो लग रही थी बहुत ही बुरा। नंबर सिक्स कृष्णा मुखर्जी। स्टार प्लस की सीरियल ये है मोहब्बतें में आलिया का किरदार निभाते हुए नजर आ रही है कृष्णा मुखर्जी। एक पार्टी में कृष्णा मुखर्जी ने गोल्डन कलर की आउटफिट पहनी हुई थी। उनका ये स्टाइल फैंस को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया। नंबर सेवन आशिका भाटिया। परवरिश और स्वाभिमान जैसे टीवी सीरियल में काम करके टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी, जहां पर उन्होंने बोहेमिया आउटफिट पहनी हुई थी। नंबर एट रवीना टंडन। बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेस रवीना फिलहाल जजेस के रूप में उन्हें नच बलिए सीजन 9 में देखा जा रहा है। शो में रवीना एक पिंच स्कर्ट के साथ एक व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो उतनी भी सुंदर नहीं लग रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।